साल 2018 में किम इसी बख्तरबंद ट्रेन में सवार होकर बीजिंग पहुंचे थे और साल 2019 में व्लादिवोस्तोक भी गए थे। इस बार फिर किम अपनी स्पेशल ट्रेन से व्लादिवोस्तोक की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि तानाशाह किम की सीक्रेट ट्रेन पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। हरे रंग की इस ट्रेन में करीब 20 हथियारबंद बोगियां हैं। ट्रेन में अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा करीब 100 स्पेशल सिक्योरिटी कमांडो इस ट्रेन में हर समय तैनात रहते हैं। ट्रेन के भीतर कॉन्फ्रेंस रूम और सैटेलाइट फोन भी मौजूद है। ट्रेन की एक बोगी में तानाशाह किम का दफ्तर भी मौजूद है। किम की बख्तरबंद ट्रेन 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस बख्तरबंद ट्रेन के जरिए मिसाइल अटैक भी किया जा सकता है। आपको बता दें, किम जोंग उन जब किसी यात्रा पर निकलते हैं तो उनके ट्रेन के साथ साथ 3 और ट्रेनें भी चलती हैं, जिसमें से पहली ट्रेन रेलवे लाइन को चेक करते हुए आगे बढ़ती है, दूसरी ट्रेन में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और तीसरी ट्रेन में नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स और डेलीगेट्स मौजूद रहते हैं। लेकिन तानाशाह किम जोंग जिस ट्रेन में सवार रहते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके करीबी रहते हैं, जिनसे वो बातचीत करते हैं, फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं। अब सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से पूर्वी रूस के शहर व्लादिवोस्तोक तक किम का ट्रेन का रूट क्या है? कैसे किम जोंग नॉर्थ कोरिया से गुजरते हुए बॉर्डर पार कर रूस में दाखिल होंगे? तो आपको बता दें, किम की ट्रेन के रूट को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से व्लादिवोस्तोक की दूरी करीब 1180 किलोमीटर है और यहां तक पहुंचने में करीब 20 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। ऐसे में किम की बख्तरबंद ट्रेन प्योंगयांग से निकलकर हैमहंग पहुंचेगी और इसके बाद तैनशोन, हुआंगोक और चोंगजिन होते हुए नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के इलाके तुमांगगांग तक पहुंचेगी और इसके बाद रूसी बॉर्डर पार करते हुए किम की स्पेशल ट्रेन रूस के पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में दाखिल होगी। हालांकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से किम के ट्रेन रूट से जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसी रूट के जरिए तानाशाह किम जोंग रूस में दाखिल होंगे और फिर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन भी उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर से मुलाकात के लिए समिट में शामिल होने के लिए व्लादिवोस्तोक रवाना हो चुके हैं। अब ये देखना होगा कि किम और पुतिन का एक गठबंधन कैसे वर्ल्ड वॉर 3 की पटकथा लिखता है, कैसे यूक्रेन से यूरोप तक के संपूर्ण संघार का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।